इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैज हैड टू और हैव हैड टू का प्रयोग। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में करना ही है आए तो उस वाक्य का अनुवाद हैज हैड टू या हैव हैड टू से करेंगे। अब यहां पर हमको ये देखना है कि हैज हैड टू कब आएगा और हैव हैड टू कब आएगा। हैज हैड टू का प्रयोग हम कब करेंगे या हैव हैड टू का प्रयोग कब करेंगे। यदि वाक का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर ही सी इट नेम, किसी का नाम आता हो, तो आप उस कंडीशन में हैज हैड टू का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक का सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई वी यू दे इनमें से कोई हो तो आप हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कुछ यहां पर एग्जाम्पल्स हैं वाक्यों के। मुझे उससे बात करनी ही है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे इसकी इंग्लिश होगी आई। हमें एग्जाम की तैयारी करनी ही है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हमें, वी। तुम्हें मेरी बात माननी ही है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश होगी यू। तो इस प्रकार से एक बार अगर हम फिर से देखें, आई वी यू इनके लिए हैव आएगा। उसे यह चैप्टर तैयार करना ही है, उसे की इंग्लिश क्या होगी, ही। दीपिका को मुझसे मिलना ही है, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर दीपिका, किसी का नाम है। उसे यह सब बात समझनी ही है, उसे, सी। तो एक बार फिर से देखते हैं, सी, ही, नेम, सिंगुलर, अगर ये आते हैं तो हम यूज करेंगे हैज का। चलिए अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की संरचना कैसे होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस की संरचना होगी, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, इसके पहले हमने देखा है हैज कब यूज होगा, हैव कब होगा, उसके बाद आप लिखेंगे हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, मुझे उससे यह बात करनी ही है, फिर से ध्यान देंगे एक बार, मुझे की इंग्लिश होगी आई, अगर आई यहां पर आ गया तो क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव हैड टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें एग्जाम की तैयारी करनी ही है, हमें की इंग्लिश क्या होगी, वी, वी के साथ आएगा हैव, वी हैव हैड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तुम्हें मेरी बात माननी ही है, तो तुम्हें की इंग्लिश बनेगी यू, यू हैव हैड टू ओबे मी। नेक्स्ट क्या है, उसे यह चैप्टर तैयार करना ही है, ही हैज हैड टू लर्न दिस चैप्टर। दीपिका को मुझसे मिलना ही है, दीपिका हैज हैड टू मीट मी। उसे यह सब बात समझनी ही है, तो उसे की यहां पर क्या इंग्लिश होगी, सी, क्योंकि यहां पर यह है स्त्रीलिंग फेमिनिन, सी हैज हैड टू अंडरस्टैंड दिस। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे। निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसके स्ट्रक्चर में नॉट लगाना होगा। अब नॉट कहां पर लगाएंगे, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद फिर हम हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, आई हैव नॉट हैड टू टॉक टू यू। हमें एग्जाम की तैयारी करनी ही नहीं है, तो इसका क्या होगा, वी हैव, हैव के बाद नॉट, वी हैव नॉट हैड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं है, यू हैव नॉट हैड टू ओबे ही मी। नेक्स्ट क्या है, उसे ये चैप्टर तैयार करना ही नहीं है, He has not had to learn this chapter. दीपिका को उससे मिलना ही नहीं है, दीपिका has not had to meet him. उसे ये सब बात करनी ही नहीं है, She has not had to talk all these. अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस समझे, नेगेटिव सेंटेंस समझे, अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इस तरीके से सेंटेंस के माध्यम से हमें किसी से क्वेश्चन करना हो,
कुछ किसी से कुछ पूछना हो, देखते हैं क्या करेंगे। बहुत सिंपल है। अगर सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, अगर प्रश्न आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको किसी से प्रश्न पूछना है क्या लगा करके, तो आप सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या होगा? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मुझे उससे यह बात करनी ही है? Have I had to talk to him on this matter? क्या हमें एग्जाम की तैयारी करनी ही है? Have we had to prepare for exam? क्या तुम्हें उसकी बात माननी ही है? Have you had to obey him? एक बार यहाँ आप फिर से ध्यान से देखिए, अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, तब आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ही सी इट है, किसी का नाम आता है, तो आप हैज से स्टार्ट करेंगे। क्या उसे यह चैप्टर तैयार करना ही है? हैज ही हैड टू लर्न दिस चैप्टर। क्या दीपिका को उससे मिलना ही है? हैज दीपिका हैड टू मीट हिम। क्या उसे यह सब बात समझनी ही है? हैज सी हैड टू टॉक ऑन ऑल दीज। अगर आपने इन सब सेंटेंसेस की बनावट देखी है, तो ये डेली यूज़ किए हैं, तो आप इनको अपने डेली इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियोज़ को आप शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।